सबसे पहले तो केपीके में आने वाली यूएसएड इमदाद को रोक लें और इंसाफ की बात करने वाले तो सबसे पहले मशाल खान को इंसाफ दे दें और पीटीआई काउंसलर को गिरफ्तार कर लें जो आजाद घूम रहा है। जब आप पे सैलाब, जलजला और कुदरती आफात आती हैं तो सियासतदान खुश होते हैं कि चलो एक नया मौका मिल गया बिरूनी इमदाद को हड़प करने का और नई वैकेंसियां बनेंगी जिनके नाम पे पैसे अपनी जेबों में डाले जाएंगे। लेकिन मैं बहुत खुश हूं कि आपके साथ ये हो रहा है क्योंकि आप इसी काबिल हैं। पाकिस्तानी कौम में गैरत होती तो ये इनके साथ ना हो रहा होता। तो आप इनके जलसों में नाचते नहीं, आप इन्हें गिरबान पकड़ते और पूछते कि हमारा टैक्स का पैसा किधर गया। जो डॉलरों की इमदाद बाहर से आती है वो किधर चली गई। आपके साथ यही होना चाहिए, आपके साथ यही हो रहा है। आप झूठी तारीफें सुनने वाले और उनसे अपना पेट भरने वाले हैं और आपने, माफ कीजिए, आपने ये मुकद्दर खुद अपने हाथों से लिखा है। कोई आपका जिम्मेदार नहीं, कोई आपका कसूरवार नहीं, ये खुद आप अपने साथ कर रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी है, मुझे बड़ा इत्मीनान है कि पाकिस्तानी कौम के साथ ऐसा हो रहा है।